नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अयोध्या में उमड़ा है जन सैलाब। जी हां, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची। अब तक करीब 2.5 से 3 लाख लोगों ने दर्शन कर दिए हैं और करीब 3 लाख श्रद्धालु अभी भी इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन का। बिना परेशानी दर्शन करने की कवायद जारी है। अयोध्या में उमड़ी है लाखों की भीड़। जी हाँ, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। करीब 3 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद और इतने ही लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है भगवान प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद से अब आम लोगों के लिए भगवान प्रभु राम के मंदिर के पट खुल चुके हैं। अब आम जनता भी प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएगी और 3 लाख लोग दर्शन कर भी चुके हैं। इतने ही लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शनों का। आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। अयोध्या में आस्था का सैलाब है। लाखों की संख्या में राम भक्त अपना इंतजार है दर्शनों का। करीब 3 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं अभी तक और इतने ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु की एक झलक देखने को मिल जाए, प्रभु श्री राम की वो मनमोहक छवि देखने को मिल जाए। बस एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं, इसी आस में, इसी उम्मीद में सुबह से ही भक्त लाइन में लगे हुए हैं। सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए खड़े हुए हैं कतारों में। पहली आरती हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद, पहली आरती हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए। सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। करीब 3 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। चलिए, क्या कुछ माहौल है, कितना उत्साह है राम भक्तों में, उसे जानने के लिए सीधा अयोध्या का रुख कर लेंगे। निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, आज अयोध्या में आस्था का सैलाब हम देख रहे हैं। 3 लाख लोगों ने भगवान प्रभु राम के दर्शन कर लिए हैं और इतने ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार, बस एक बार प्रभु की मनमोहक छवि के दर्शन हो जाए बस। निमिष, कितना माहौल, कैसा माहौल, कितना उत्साह देख रहे हैं आप? देखिए, अयोध्या में इस समय आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सुबह लगभग 3 बजे से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए कतारबद्ध थे। सबसे पहले श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन पहले करने से पहले शरीर स्नान किया और यहाँ पर जो क्राउड है, जो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं लोग, और एक एक करके कतारबद्ध लोगों को निकाला जा रहा है। बाकायदा सुरक्षित ढंग से लोग दर्शन कर सके, इसका प्रयास है। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ पर। इसके अलावा जो गंदगी पड़ी हुई है, जो यहाँ कूड़ा करकट है, उसको खुद अधिकारी साफ कर रहे हैं। चूंकि ये जन्मभूमि पथ है जहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने सामान जो फेंके हैं उस कूड़े कचरे को भी एक जगह रख रहे हैं ताकि किसी के पैर में न फंसे। ये बाकायदा एक एक व्यक्ति अंदर आ रहा है। लगभग सुबह की बात की जाए तो सवेरे 7 बजे से और 10 बजे तक मात्र 3 घंटा में ये आंकड़ा 50,000 का था। 50,000 राम भक्त रामलला का दर्शन कर चुके थे और इसके बाद दोपहर में 11 बजे जब मंदिर बंद हुआ तो मात्र दर्शन के उपरांत मंदिर में आरती और पूजन भोग लगाया गया और फिर पुनः इसको मात्र 1 घंटे के अंदर खोला गया और फिर से लगातार ये क्रम जारी है। क्योंकि भगवान के दर्शन को लेकर बढ़ते दबाव के कारण राम मंदिर ट्रस्ट ने यह फैसला लिया। और आपको जो तरीका होता है मंदिर में दर्शन करने का कि लोग कैसे आएंगे, किधर से जाएंगे, ये सारी जो तैयारियां थी वो टूट गई, वो कम पड़ गई क्योंकि राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों ने यह प्रयास किया था कि
एक सिस्टमेटिक ढंग से लोग दर्शन करें। अनुमान था कि श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ऐसी भीड़ बिल्कुल किसी को अंदाज नहीं था। इसके साथ ही हम दिखाना चाहेंगे, देखिए हवाई सर्वेक्षण भी शुरू हो गया, चूंकि अयोध्या में बड़ी संख्या में भीड़ बढ़ रही है, लिहाजा अब हवाई सर्वेक्षण भी शुरू किया जा रहा है कि क्या इंतजाम है, कहां ज्यादा भीड़ है, कैसे क्राउड को मैनेजमेंट किया जाएगा। इस सब को लेकर अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर जुट गए हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये तीसरा पॉइंट है और यहाँ आपको दिख रहे होंगे बड़ी संख्या में पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा बल से जुड़े हुए लोग हैं और ग्राउंड जीरो पर खुद अधिकारी जुटे हुए हैं, जहाँ बाकायदा ये अनाउंस कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने बारी के लिए दर्शन पूजन करें, अपने बारी का ध्यान रखें, लोगों को धक्का ना दें, इस तरीके की अपील की जा रही है। तो जो नजारा है वो बिल्कुल इस बार आपको कह सकते हैं कि चूंकि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दिन है, ऐसे में आरती शुरू होने के पश्चात ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इन श्रद्धालुओं को मैनेज करने के लिए अब ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों को उतरना पड़ा। जिस तरीके की तैयारी थी, तैयारी हालांकि पहले भी ये थी कि भीड़ आएगी, लेकिन ये अप्रत्याशित भीड़ है, इतनी बड़ी क्राउड की अंदाजा प्रशासन को नहीं था। जो इंतजाम थे वो नाकाफी निकल गए और इसके साथ ही अब यहाँ पर लाखों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिनको सुरक्षित ढंग से दर्शन कराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और हर एक व्यक्ति को हर एक तरफ से सुरक्षित रामलला के दरबार पहुंचाया जाए, इतनी बड़ी भीड़ में कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दर्शन पूजन का क्रम सुबह से जो शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है और लगातार ये क्राउड बढ़ती जा रही है। एक बार और चाहेंगे आपको दिखाना कि आप ये लाइन देखें, छोटे छोटे ब्रैकेट बनाए गए, चूंकि ये 800 मीटर लंबा पथ है जिसमें लगभग एक बार में 2 लाख आदमी आ सकते हैं, जिसके बावजूद अब इस लंबी कतार को ब्रैकेट में बांटा गया है और यह प्रयास है कि लोग सुरक्षित ढंग से रामलला के दरबार पहुंचे, वहां दर्शन पूजन करें और फिर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो। ग्राउंड जीरो पर पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सुरक्षित दर्शन के लिए बाकायदा एक एक व्यक्ति को कतार में लगाकर रामलला के दरबार में पहुंचाया जा रहा है। तो जो नजारा है वो बिल्कुल एक आस्था का सैलाब, देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा कल दिन था। प्रतिष्ठा के बाद भगवान के लोग एक बार झलक उनकी देखना चाहते हैं और वो यहाँ पर दिख रहा है। सैलाब होगा भी, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार आखिरकार कल खत्म हुआ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बहुत शुक्रिया निमिष।